वेलकम डियर स्टूडेंट टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल इंग्लिश मीडियम स्कूल यावल. माय नेम इज योगिता सतीश सावड़े. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न क्लास 8 सिविक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू द पार्लियामेंट्री सिस्टम. इस चैप्टर का पहले वीडियो में हमने देखा था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या होती है, उसके वैशिष्ट्य के बारे में जानकारी ली थी. और इंडिया ने यानी कि हमारे देश ने ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम का स्वीकार किया है वो क्यों किया है, इसके रीजंस भी हमने देखे थे. तो अब हमें देखना है यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी कि अध्यक्षीय शासन पद्धति जो होती है उसके बारे में जानकारी लेनी है. तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैन बी सेड टू बी अनदर इम्पोर्टेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो राज्य कारोबार की और एक पद्धति ऐसा उसका उल्लेख किया जाता है अध्यक्षीय शासन पद्धति का. दिस टाइप ऑफ सिस्टम एग्जिस्ट इन कंट्रीज सच एज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. मतलब कि अमेरिका के जैसे देशों ने इसका स्वीकार किया है, शासन पद्धति का स्वीकार अमेरिका जैसे देश में होता है. अब हमें उसकी जानकारी लेनी है. दिस सिस्टम इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री फॉर्म. ये पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि जो हमारे देश में है संसदीय शासन पद्धति उससे बहुत ही अलग होती है. इन विच द एग्जीक्यूटिव इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लेजिस्लेचर एंड एज द हेड ऑफ द स्टेट द प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो यहाँ की जो कार्यकारी पद्धति होती है शासन पद्धति से बहुत ही अलग होती है और कायदेमंडल कार्यकारी मंडल जो रहते हैं वो अलिप्त रहते हैं. उसके जो कार्यकारी प्रमुख होते हैं यानी कि राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो थेट जनता से चुने जाते हैं. दो द थ्री ऑर्गन्स आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर. देयर आर इनफ कनेक्शन बिटवीन देम टू वर्क इन हारमोनी कोऑर्डिनेशन. और जो उसके जो तीनों संस्थाएं होती है शासन संस्थाएं जो कि शाखाएं होती है उसके पद्धति में यानी कि उनकी जो पद्धति होती है वो एक दूसरे से बहुत ही स्वतंत्र होती है, अलग होती है, लेकिन उनके कार्य में एक सूत्रता लाने इतपत उनका संबंध रहता है. देयर आर इनफ कनेक्शन बिटवीन देम टू वर्क हारमोनी एंड कोऑर्डिनेशन. द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज़ अडॉप्टेड द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका जो देश है उन्होंने इस शासन पद्धति का अवलंब किया है, स्वीकार किया है. तो फॉलोइंग आर सम फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो नीचे उसके कुछ वैशिष्ट्य दिए हैं उस शासन पद्धति के, अध्यक्ष शासन पद्धति के जो वैशिष्ट्य होते हैं वो क्या है देखिए. इन द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव आर नॉट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. द हाउसेस ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द प्रेसिडेंट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. तो अध्यक्षीय शासन पद्धति में जो कायदेमंडल और कार्यकारी मंडल होते हैं वो थेट रीति से परस्पर पर अवलंबन नहीं रहते यानी कि एक दूसरे पर वो अवलंबन नहीं रहते. और कायदेमंडल जो होते हैं उसके दो सभागृह और उसके जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं वो जनता से चुने जाते हैं. और राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो कार्यकारी प्रमुख रहते हैं, कार्यकारी मंडल के वो प्रमुख. द प्रेसिडेंट इज एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ हैज़ लॉट ऑफ पावर्स इंक्लूडिंग पावर टू इम्प्लीमेंट लॉज. तो बहुत सारे कायदे या कानून करने के लिए उनकी पावर उनके पास उसका अधिकार रहता है. इन स्पाइट ऑफ सच स्ट्रक्चर द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव कीप चेक ऑन ईच अदर. तो अध्यक्ष शासन पद्धति में भी ऐसा ही होता है. इस प्रकार की जो रचना की जाती है यानी कि उसकी जो रचना होती है वो कायदेमंडल और कार्यकारी मंडल जो होते हैं वो परस्पर एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं. और दिस म्यूचुअल कंट्रोल ओवर ईच अदर कैन लीड टू अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. और जो नियंत्रण रखते हैं उसके लिए जवाबदार जो होते हैं वो पद्धति राज्य कारभार हो बन सकता है यानी कि एक दूसरे पर नियंत्रण रखने से ही वहाँ पर जवाबदारी जो रहती है उनकी जिम्मेदारी जो रहती है वो अच्छे से वो निभाते हैं. अपार्ट फ्रॉम द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम दैट आर फॉलोड इन फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी एट्सेट्रा. तो संसदीय और अध्यक्षीय शासन पद्धति के
व्यतिरिक्त अन्य कुछ पद्धति शासन पद्धति जो कि फ्रांस स्विट्जरलैंड जर्मनी इन देशों में स्वीकार किया गया है ऐसे शासन पद्धतियों का. सेवरल कंट्रीज ओविंग टू देयर यूनिक सरकमस्टेंसेस हैव इवॉल्व डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. तो विविध जो देश रहते हैं वो अपने देश के परिस्थिति से अनुरूप ऐसे शासन पद्धति का वहाँ पर स्वीकार करते हैं और उसका अवलंब वो करते हैं. इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर वर्किंग एंड रोल ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट. तो इसके आगे के चैप्टर में हमें यहाँ पर जो भारत की जो संसद की जो भारत के की जो रचनाएँ होती है या कार्यपद्धति होती है उसकी जो भूमिका होती है वो सभी का हमें यहाँ पर स्टडी करना है अगले चैप्टर में. सो ये जो पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़ा है वो आपके समझ में आया होगा. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल.